नमस्कार दोस्तों, आज 30 जून 2022 दिन वीरवार। दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का फलों का क्या बाजार चला। दोस्तों आज मौसम में थोड़ा थोड़ा सा हल्की हल्की बरसात है सुबह से ही। जान लेंगे आज का, सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर वाले सेब की। आज का कश्मीर वाले सेब का जान लेंगे क्या बाजार चला भाई साहब के पास, और मंडी में कितनी गाड़ियाँ आई। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज का क्या बाजार चला जी, कितनी गाड़ियां आ रही है बताओ पहले। मेरा राणा जी अराइवल है आज, 4-5 गाड़ी की अराइवल है। 4-5 जी। फिर ये तो कल से चौथा हिस्सा रह गई जी। हाँ बिल्कुल, अब जैसे जैसे टाइम आगे गुजरेगा। तो कल क्यों आई थी जी इतनी? कल एक्चुअली में क्या है, 2-3 दिन की रास्ते में प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बताया थोड़ा सा कॉन्वॉय सिस्टम, हाँ जी वो ब्लॉक था, उसकी वजह से कल गाड़ियाँ ज्यादा आ गई। अब जिनके पास माल आखिर हो रहा है तो उन्होंने माल जल्दी जल्दी निकालना है और ख़त्म करना है, क्योंकि अब सीजन का लास्ट है, हफ्ता 10 दिन का काम रह गया सारा। अच्छा जी, हफ्ता 10 दिन ही आएगा जी अभी। जी जी। अच्छा जी, तो आज ये सारी 4-5 रह गई जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के जैसे आज 4-5 रह गई जी। ये 60 दाना है, ये 1300 रुपए बिका है, कुल्लू डिलीशियस। अच्छा 60 दाना जी। और ये 50 दाना है इसका, ये भी 1300 रुपए बिका है। हाँ जी। 40 दाना है वो भी 1300 रुपए बिका है। हाँ जी। बस। और जो 105 दाना कुल्लू डिलीशियस, 105 दाना बिकेगा समझो 1500 से 1600 के बीच में। 1500 से 1600 के बीच में जी। तो रोज के मुकाबला जैसे आज माल कम आया जी, आज रेट तो उठना चाहिए था फिर? नहीं, रेट थोड़ा सा बारिश की वजह से ही है, और इधर शिमला का भी थोड़ा सेब आ गया है, ये जो नई वैरायटी आ रही है, नई वैरायटी वगैरह उसका भी वो है, और थोड़ा सा सब जगह बारिशें हैं, पूरे दिल्ली से बाहर सारे स्टेटों में 2 दिन से बरसात है। अच्छा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा 50 से 100 रुपए की गिरावट है बाजार के अंदर। अच्छा जी जी, चलो इतना भी टिका रहे जी बाजार ये। हाँ ये भी ठीक है, मतलब 1300-1400 रुपए भी बाजार अगर टिका रहता है तो ठीक है। हाँ जी हाँ जी, पहले तो एक बार खतरा हो गया था एक महीना पहले तो ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लास्ट सीजन खराब ना हो जाए, इज्जत के साथ सीजन पूरा हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो आज चेरी का क्या रहा जी? चेरी में मैं उधर गया नहीं है, बाकी चेरी की 4-5 गाड़ियां हैं। हाँ जी, बाजार तो वही चल रहा है, 70-80 रुपए से लेकर 150 रुपए तक मिश्री का बाजार। अच्छा जी, और जो वेरायटी है ब्लैक वाली उसका रेट 150 रुपए से लेके 250 रुपए तक। अच्छा जी, जो आपका सारा माल रखा जी है, बिक लिया भी बिकना रह रहा जी है? नहीं अब बिक रहा है, थोड़ा थोड़ा रह गया है। और इसमें लकड़ी की पेटी में क्या है जी? है ये आलू बुखारा उतरा है बराबर में, ये कश्मीर वाला ही जी जी जी। इसका क्या बाजार चल रहा जी कश्मीर वाले? बाजार आलू बुखारे का जहाँ तक है 80 रुपए से लेके, और जो लूज है वो 150 रुपए तक है। अच्छा जी, और जो 3-3 वाला है इसमें समझो आप वो 150 से 250 रुपए के बीच में। अच्छा जी अच्छा, बिल्कुल धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। ये इनकी दुकान का एड्रेस है, इन भाई साहब का ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनका। 8-9 महीने कश्मीर वाले सेब का काम है, बाकी ये सीजनली हिमाचल वाले सेब का भी काम करते हैं। तो सेब की वीडियो बनाने के बाद तुरंत जो है जोर की बरसात चल गई, अब जो है थोड़ी देर में दूसरी साइड में जाएंगे, पर इतने में तो गिल्ले भी हो जाएं, कैमरा ना गिल्ला हो जाए क्योंकि बरसात अच्छी चल गई। अब चलिए जानते हैं जो 13 नंबर साइड में आज का फलों का क्या रेट चला। दोस्तों अब पहुंच चुके हैं 13 नंबर साइड में, जान लेंगे 13 नंबर साइड में आज का इनका जो मोरी डंडी सेब टाइडमैन वरायटी अर्ली वरायटी इन क्या बाजार चला भाई साहब इसके बेच में। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी भाई साहब जी, आज क्या बाजार चला जी? भाई साहब पियर्स का बाजार 2 दिन में बहुत बुरी तरह से टूट गया है। हाँ जी, सोमवार को 2500-2600 जो बिक रहे थे आज 1500-1600 की पोजीशन है उसकी। अच्छा जी, कल भी टूटा था और कल से टूट गया और आज तो उठाओ ही नहीं है कोई लेने को। फर्क पड़ गया जी? नहीं, वैसे पियर्स का मंदा हो गया, बहुत भारी माल आ गया है। हाँ जी, आप देख रहे हो चार तरफ पियर्स ही पियर्स पड़ी है, कोई लेने वाला यहाँ ग्राहक नहीं है। अच्छा जी, तो आज का इसका क्या रेट चला जी? आज भाई साहब 800 से लेके 1400-1500 रुपए तक की पोजीशन है। 800 से 1400-1500, ये किस रेंज की है जी? ये भाई साहब 1200-1300 रुपए बिक रहा है, एक्स्ट्रा अच्छा स्मॉल है। और ये थोड़ा छोटा सा है, ये 1200 रुपए। अच्छा जी, और वो 1900 रुपए का है जी। अच्छा जी अच्छा, और इसकी पोजीशन जी? ये रेड गोल्ड आज पहले दिन आया है हमारे पास, ये डब्बा है। हाँ जी, अभी इसका कोई रेट नहीं खुला जी इसका। अच्छा जी, और जो वैसे आज की टाइडमैन की? टाइडमैन भाई साहब 1400-1500 रुपए की पोजीशन है। अच्छा जी, और अपने पास आलू बुखारा वगैरह? वो आलू बुखारा प्लम ब्लैक हैमर भी पोजीशन खराब है जी, बरसात हो गई है। हाँ जी, कश्मीर का भी बहुत आलू बुखारा आ रहा है, जो आप सामने रखा है ये कश्मीर वाला। हाँ, तो उसकी वजह से बाजार बहुत मंदा चल रहा है। हिमाचल वाले का हिमाचल आलू बुखारा, तो आलू बुखारा है चाहे हिमाचल चाहे कश्मीर से आए, 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की पोजीशन है जी। अच्छा जी, आलू बुखारा यानी 150 का मंदा है जी। हाँ बिल्कुल, बरसात भी हो गई है इससे और थोड़ा मंदा आएगा। दोस्तों आप मंद हो गए हिमाचल वाले सौदों का, इनको खा लो, क्योंकि ये नेचुरल फ्रूट हैं, बहुत ही लिमिट के होते हैं और ये कुछ ही दिन के मेहमान हैं। हाँ जी, जितना खाओगे समझो इनके गुण का, इनका गुणगान गाया नहीं जा सकता, चाहे वो कश्मीर को, उत्तराखंड का या हिमाचल का। इनको खा लो,
और स्वस्थ रहो। धन्यवाद भाई साहब जी, अपनी दुकान का एड्रेस मोबाइल OPN A990 9810952317। धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों जान लेंगे ललित आनंद भाई साहब के पास भी आज का क्या बाजार चला है इनके पास, जो अपना है हिमाचल वाले एट में है। वैसे गई तो यहाँ जो है लाइट, अब ये 13 नंबर साइड में, पर यहाँ पर सारा सामान बिक रहा क्योंकि जोर की बरसात है ऊपर। नमस्कार भाई साहब जी, आज रौनक मेला आपके पास भी नहीं जी, कहाँ गया? रौनक मेला भैया मंदा करके हमने भेज दिया। अच्छा जी अच्छा, हाँ मंदे के खिलाड़ी हम तेजी के नहीं है भैया। अच्छा जी अच्छा, वैसे बंद करवा दिया भैया, क्लोज कर दिया साहब, बिक गया माल ये देखो। अच्छा जी, ये पियर रखा जी, आज का क्या चला जी अपने पास? अब ये पियर भी नहीं बिकेगी तो क्या बिकेगा भैया? हाँ जी, ये भैया 105 दाना है, लार्ज मीडियम स्मॉल 105 दाने तक वैसे ये बिके हैं भैया, 800-900 रुपए के। अच्छा जी, और वजन इसमें? वजन इसमें होता है 15-1 किलो निकल। ये पान छोटे डब्बे हैं? हाँ छोटे डब्बे हैं। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी, बड़े बक्से भी हैं। बड़े बक्से कहाँ रखे हुए? ये टाइडमैन है भैया। हाँ जी, टाइडमैन बिके हैं भैया, जो बॉक्सिंग है 900 रुपये से लेके 1600 रुपये तक। यही 15 किलो वाले? नहीं नहीं, 25-26 किलो भैया वजन इसके अंदर है। अच्छा जी, 1700 भी है, अगर बहुत बढ़िया चीज़ है, टाइडमैन की डिमांड बहुत है। अच्छा जी, मोटी डंडी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, 200 से 300 रुपये तक डाउन हो गई है। पीछे कह रहे कि 2 दिन से बाजार डाउन होता जा रहा भैया, डाउन होने का कारण नहीं था, 2 दिन इतनी गर्मी थी कोई कस्टमर घर से बाहर नहीं निकल सकता था। अच्छा, हमारी तो मजबूरी है ना यहाँ पे आना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये ब्लैक एम्बर भैया? हाँ जी, पनेट में बिके भैया 30 रुपये से लेके 60 रुपये तक। ये माइक पास कर लो, बरसात में छत ने तोड़नी कर दी अब तो। अच्छी बात है ना, बारिश हुई है सब देख तो पाएंगे, बारिश भी हो रही है बहुत भयंकर बारिश है, मोटी बरसनी चाहिए, दिल्ली की गर्मी तभी तो ही जाएगी ये यहाँ। अभी धूप निकल जाएगी तो गर्मी हो गई भैया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये भैया ये डब्बों में बिके 120-140 रुपये के जी। हाँ जी हाँ जी, पनेट में बिके 35 रुपये से लेके 60 रुपये तक भैया। आपके पास मैरी पोजा भी आता है? मैरी पोजा? अच्छा, मैरी मोटा साइज भी क्या है, छोटा साइज पड़ा हुआ है भैया। मोटे साइज का क्या रेट रहा जी? पनेट भी क्या भैया 50-60 रुपये। ये भी सस्ता हो गया भाई, सारी चीजें मंदी है। अच्छा, ये कश्मीर का पलम बहुत आ रहा है ना। हाँ जी, उसकी वजह से हर चीज मंदी है भैया। अच्छा जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं, ये तो भैया बिजनेस की गेम है, मंदा तेजी तो लगी रहेगी। खाना चाहिए, देखो क्या शानदार सीजनली फल है जी। और आज आपके पापा आड़ू में बैठे जी वहाँ पर? पापा आड़ू में, आड़ू भी आज कम है, ऊपर बारिश है ना जी। हाँ जी, कम आया मंडी में? हाँ जी कम आया। तो आड़ू का रेट ठीक है जी आज का? पहली बार आपने जब मेरे से पूछा था, वीडियो बनाई थी, तब मैंने आपको कहा था जो 3 लेयर 550 से 650 है, अब टॉप बाजार 500-550 का हो गया। अच्छा, 400-350 रुपये तीन तक खिली हुई बिक्री है भैया। यही सोलन वाला जो राजगढ़ का आड़ू? हाँ जी हाँ जी, बहुत डाउन हो गया आड़ू। अच्छा, अब तो लोगों को खाना चाहिए, खाना चाहिए। अब एंडिंग है और 10 दिन में आड़ू खत्म है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब ये पियर्स है? हाँ जी। ये भी कितने दिन चलेगी? और 10 दिन, इसके बाद बबू अच्छा आएगा। हाँ जी, अब शाइन देखिए भैया, क्या शाइन है, क्या जबरदस्त चीज़ है जी वाकई। ये व्यापारियों की बहुत स्प्रेज लगती है भैया, खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं जी। नहीं, हिमाचल वाले बैठे इसके सारे पे जी, साल की रोजी रोटी है उनकी। कल एक बंदा मेरे को आपसे पूछ रहा है, स्पेशल असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर्ड। हाँ जी, मेरे को कार्ड देके कह रहा राणा जी से मिलना है। अच्छा जी, ये रहा ठीक, असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर्ड। हाँ जी, स्पेशल मिलना है आपसे, मेरे को कोई फ्रूट ले जाना, कह रहा नहीं मेरा राणा जी से मिलना है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, देखते होंगे जी वीडियो, फ्रूट से ज्यादा डिमांड आपकी है इस समय। कोई बात नहीं जी, है कौन ढूंढ रहे हैं हम। धन्यवाद बोल देना जी मेरी तरफ से उनको, बहुत बहुत मेरे सब्सक्राइबर है जी, देख रहे मेरी वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इक्का दुक्का भी जो है अपना, ये कच्चा बादाम आ रहा जी मंडी में? बहुत कम आ रहा है भैया। अच्छा, के बराबर पनेट बिक्री है भैया 90 रुपये से लेके 120-130 रुपये तक। अच्छा जी अच्छा, अब बादाम खत्म हो गया, सूख गया बादाम। धन्यवाद, पूरी मंडी में आपको मोटी डंडी ही मिलेगी ज्यादा ज्यादा, मंदा हो लिया जी, मंदा हो गया। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अपनी दुकान का एड्रेस? मेरा नाम भैया ललित आनंद है, मोबाइल नंबर है 9811-05300। और कमिश्नर साहब को भी मेरी तरफ से धन्यवाद बोल देना। ठीक ठीक, थैंक यू भैया। दोस्तों आप पहुंच चुके हैं 14 नंबर सेट में, जहां पर आलू बिकता है, और यहां पर जो कश्मीर वाला आलू बखारा और कुल्लू वाले मोटी डंडी छोटी डंडी, ये दूसरे फ्रूट जान लेंगे भाई साहब से आज की क्या पोजीशन है इनके पास आज का क्या रेट। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, क्या हाल जी? साहब जी आज का क्या बाजार चला जी? आज ये बाजार है सर 800 से लेके 1200 रुपये तक। 800? ये कुल्लू वाला है जी? ये कुल्लू वाला सर। अच्छा जी, और क्या माल आ रहा जी कुल्लू से इस समय? कुल्लू का माल यही आ रहा है बस, और कुछ नहीं आ रहा, पलम आ रहा है। हाँ जी, कुल्लू वाला? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसका क्या बाजार चल रहा जी? पलम बिक रहा है 100 रुपये 110-120 रुपये 5 किलो। 5 किलो का डब्बा? हाँ जी हाँ जी। आज बाजार कैसा है जी, मार्केट कैसा? आज मार्केट बहुत डाउन है सर, कल से बरसात का फर्क पड़ गया जी। बरसात का भी फर्क पड़ गया, ये ज्यादा आ गई है बाटलेट आज मार्केट में। अच्छा जी अच्छा, धन्यवाद भाई साहब। अपना मोबाइल नंबर जी? 9718604544।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त जानकारी देने के लिए। ये भी आज सारे बेल ले जी तमाशा देखने के लिए। हाँ जी वाह वाह जी वाह। ये कह रहे कि मैं भी मेन आदमी हूँ, मेरी भी शकल दिखाओ। दो जी देखो जी इनकी भी शकल। दोस्तों कुछ जो है बरसात का फर्क है, बरसात अभी जो है ज़्यादा है मंडी में, बाहर काफ़ी बरसात चल रही है, यहाँ पर अभी चल चुकी और साथ में दो दिन से जो ये मोटी डंडी बब्बू गोसा जिसको बोलते हैं इनका थोड़ा मंदा भी है। तो आज तो सारे के सारे आड़ती अभी तो ऐसे बैठे हैं, सब ग्राहक के इंतजार में है कि कब निकल के आए, देखो कब तक माल बिकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो आड़ती बैठे या फिर मनीम बैठे ग्राहक के इंतजार में है सारे माल की, क्योंकि बरसात मंडी में ज़्यादा है अभी और माल बिकने का समय था, यही माल बिकने का समय होता है और सबके पास जो है माल बचा पड़ा और मंडी में ग्राहक है नहीं है। जितने भी हैं या तो पल्लेदार हैं या आड़ती हैं या इनके मनीम हैं, ग्राहक की कमी है। देखो कब तक बारिश रुकेगी, कब माल बिकेगा। मंदा तो वैसे इसका दो दिन पहले ही हो चुका है इन सौदों का, सबके पास आज माल बचे पड़े हैं। दोस्तों जो आलू बखारे हैं, आलू बखारे की भी वही कथा है, सबके पास आज माल बचा पड़ा है। आलू बखारे वाले भी सारे इधर ऐसे ही बैठे हैं, सब के माल रुका पड़ा, देखते हैं कब तक बिकेगा ये। दोस्तों अभी तक तो सबके माल बचे पड़े, जान लेंगे आज का क्या रेट चला। भाई साहब के पास भी आलू बखारे। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी आज का क्या कुछ रेट चला? बिके नहीं जी, अब सब ऐसे ही बैठे जी आज, अब तक क्या कारण हो रहा है? बिके नहीं राणा जी, आलू बुखारा बिक नहीं रहा, आलू बुखारा बिल्कुल पक गया है। ये कारण क्या, पकने का कारण है और कारण है कोई नहीं, पकने का ही कारण है। एक बैग आ गया आलू बुखारा। हाँ जी, ये कश्मीर में बारिश हुई है उस कारण एक बैग आ गया। ये सारे माल देख लो ना, अब ये सारे माल पके हुए है, ग्राहक पकड़ नहीं रहा। और दूसरा कारण ये है, आम भी थोड़ा सस्ता हो गया। हाँ जी, इसलिए इसको कोई पकड़ नहीं रहा। अच्छा जी, तो आज के क्या रेट चले जी? आज टॉप बिका 200 रुपए तक। 200 रुपए, 200 रुपए। और वजन कितने है जी इसमें? 4 किलो। 4 किलो। हाँ जी। और जो गत्ते के डब्बे में है जी? है गत्ते के डब्बे में एक आधा किलो फालतू निकलता है, जो बड़ा होता है थोड़ा सा। अच्छा जी, इसका क्या रेट है गत्ते के डब्बे वाले का? रेट यही है राणा जी, 80 रुपए से लेकर 200 रुपए। 80 रुपए से लेकर 200 रुपए। अवेलेबल भी बहुत है, 40-45 गाड़ियाँ। अच्छा जी, तो अभी सबके माल बैलेंस पड़े जी? बिल्कुल जी, कल के भी कुछ पड़े होंगे, आज जो ताजे आए हैं, कच्चे माल थोड़े से बिक गए, पके माल कोई पकड़ नहीं रहा। अच्छा जी, जी कच्चा माल कारण ये पकने का है और ये बरसात का भी है जी? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, हर जगह ये हो गया, बिल्कुल माल पक गए। जो लोड आ रहे थे वो भी नहीं आ रहे अब यहाँ मंडी में कोई लेने वाले, माल पहुँच ही नहीं रहे आगे कहीं। अच्छा, लोडरों के माल कहीं पहुँच नहीं रहे, माल बिल्कुल पक गए, इसलिए वो जो ले जाते हैं खराब हो जाते हैं माल। कच्चे माल कम है यहाँ पर अभी? बहुत कम कच्चे है। धन्यवाद भाई साहब जी। अपनी दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर? सेफको फ्रूट C504-9899-31-9998। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का अनार का क्या बाजार चला, जान लेंगे मंडी में आज की अनार की क्या पोजीशन है। लो आपको बोली दिखा देंगे, यहाँ बोली जो चल रही है। वैसे दोस्तों जैसे मैंने पीछे बताया, लगातार बारिश भी चल रही, अब भी बरसात है, अब थोड़ी सी कम तो हुई पर इतनी कम नहीं हुई, ऊपर तो आसमान में अभी भी बरसात है। धीरे धीरे जो ग्राहक है लेने वाले वो कम ही है, इतने जानदार ग्राहक नहीं है दोस्तों, इतने VIP ग्राहक नहीं है लेने वाले। माल तो है पर मंडी में माल बढ़िया कम है, थोड़े हल्के ज़्यादा हैं। अंदर से लाल है। 650 देख रहे क्या हो गया? बोली नहीं दे रहे, जितने हटती बोल देगा, बोली नहीं दे देंगे कोई। लो जी 650 से दोबारा 500 से बोली शुरू हुई, 500 कहे मियाँ जी ने, अब दोबारा बोली शुरू हुई। लो दोस्तों 630 का गया, ये चलती है ऐसे बोली। लो जान लेंगे कितनी गाड़ियाँ। लो दोस्तों एक और डब्बा पलटी हुआ, देखेंगे इसका क्या रेट चलेगा। दोस्तों तो एकदम गया तुरंत ही, 900 रुपये का माल बढ़िया है। दिखाइए भाई, दिखाइए इधर,
गुजरात वाले जो यानी सब सोलह दाना सोलापुर है सोलापुर है। अच्छा सोलापुर तो है 900 रुपए का गया दोस्तों। ये जो खरा माल होता है दोस्तों वो तो तुरंत बिक जाता है, जैसे ऐसे मीडियम माल आएंगे इसमें जोर लगता है, बोली लगाने में समय लगता है, बोली देने वाले क्योंकि बढ़िया माल के लेने वाले ज़्यादा हैं, और हल्के माल चाहे वो गुजरात है चाहे वो अपना महाराष्ट्र के हैं उनके लेने वाले कम हैं, क्योंकि जो छोटे माल है उनमें भी अभी दाना पूरा बनानी अंदर से लाली कम ही है अभी। अब बरसातें शुरू हो गई, दिल्ली में भी बरसात हो गई और अपना उधर भी मानसून की बरसात आ गई, अब जो है अगले हफ्ते से नंबर वन के अनार हो जाएंगे शुरू। अंदर से तो दोस्तों देखो लाल है पूरा जबरदस्त। लो जी 300 से बोली शुरू हो गई, 320 बस जितने आठ थे वो कभी चलती है बोली बस। बोली नहीं दे रहे बस ऐसे ही खड़े हैं। लो जी दोस्तों 340 में ही रह गया है, तो वह कोई बोली देगा, दम नहीं है मार्केट में, दम नहीं है लेने वालों में, दम नहीं है आगे बेचने वालों में भी दम नहीं, और सबसे बड़ी बात खरीदने वालों में भी दम नहीं है, क्योंकि हिमाचल के आड़ू माड़ू आलू बखारे आम उनमें जा चुके ईवी, अब इसको कम पकड़ रहे क्योंकि ये 12 महीने का सौदा है वो सीजन लिया है, तो ग्राहक जो रेडी पटरी वाले हैं उसकी तरफ जा चुके हैं। तो दोस्तों अब तो आपने बोली देख ली, इसी से आप अंदाज़ा लगा लेंगे, आप तो बड़े बड़े व्यापारी हैं अभी इसका किसान है क्या रेट चल रहा दिल्ली में, अंदाज़ा लगा लो तो जान लेंगे आज का तरबूज का दिल्ली आजादपुर मंडी में क्या रेट चला। दोस्तों तरबूज जो है अब ये समझ लो जो 17 नंबर सेट है जहाँ पर मैं हर रोज़ ये वीडियो बनाता था उसकी सफेदे आम की, अब ये 17 नंबर सेट में जो है तरबूज बिकने लग गया आधे में, और आधे में इसमें जो है दूसरी तरफ वो दशहरी आम बिकता है, दूसरे वाले आम बिकते हैं। जान लेंगे आज का तरबूज का मंडी में क्या कुछ बाजार चला, कितनी गाड़ियाँ आई। आज तो तरबूज के सारे में ढेर लगे पड़े अभी तक, क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात चलती में लोग कम आते हैं, बरसात चल रही बरसात में जो तरबूज के खाने वाले वो कम हो जाते हैं। सर श्री अकाल सरदार जी। नमस्कार जी। आज तो जी ढेर लगे पड़े अब तक, कहाँ गए लेने वाले। मौसम ऐसा है जी बारिश हो रही है। हाँ जी थोड़ी आज तो बारिश बहुत तेज थी आज। अच्छा जी बारिश तरबूज आपको पता है बारिश थोड़ा कम भी बिकता है। हाँ जी बारिश भी जरूरी है जी, और फिर फड़ भी कन्वर्ट बदल के इधर आ गए। हाँ जी सारे फड़ इधर आ गए। अच्छा जी आपको नजर आता है माल सारा। अच्छा जी तो फैल जाता सारा माल इकट्ठा, अब एक जगह इकट्ठा होने से डर गए लेने वाले। यही एक ही फड़ रह गया। अच्छा जी 17 नंबर फड़ में सारा तरबूज यही बिकेगा। अच्छा जी जो भी लोकल वाला है। तो आज महाराष्ट्र वाली गाड़ियाँ कितनी आ रही है। महाराष्ट्र वाली आज मैं उधर गया भी नहीं हूँ, ऐसे रिपोर्ट आई है कि 7 गाड़ी जो 19 नंबर सेट में है जी। महाराष्ट्र आंध्र की भी है, 3 गाड़ी आंध्र की है। अच्छा जी यानी बाहर का अदर स्टेट का लगा लो जो भी है। अच्छा जी तो उसकी पोजीशन क्या चली जी। पोजीशन आज बाजार डाउन है उसका 14 रुपये 15 रुपये 16 रुपये डब्बे में। डब्बे का बरसात बरसात का फर्क पड़ा जी। क्या 16 रहे हैं बाकी 15 भी बेच रहे हैं 16 भी बेच रहे हैं। हाँ जी हल्की गाड़ी 14 भी बिक रहा। अच्छा जी तो आज का इसका देसी वाले का जी। देसी वाले का इलाज माल जैसा माल वैसा भाव, अच्छे माल तो 10 रुपये से 12 रुपये बिके हैं। हाँ जी हल्के माल का कोई भाव नहीं, गाड़ियाँ उक्का बेचनी पड़ रही हैं। अच्छा जी उक्का गाड़ी बिक रही है 8,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये, यानी पूरी बंद की बंद गाड़ी जैसी होगी 8,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक की, जितनी बड़ी गाड़ी होगी 4 चक्का 6 चक्का जैसी भी। आइडिया वही लगाओ आप 5 रुपये 4 रुपये 6 रुपये। इनको कौन लेगा जी, ज़्यादा छोटे हल्का माल है, माल ही हल्का बहुत हल्का माल। फिर जो इस साथ की गाड़ी हो जी ये तो 10 टन की गाड़ी हो मान लो इस साथ की तो वो कितने की चली जाएगी जी। ये बिकी है 30,000 रुपये की, इसमें 11 टन माल था। 11 टन माल था जी 30,000 की, तो ग्राहक के पैसे पूरे हो जाएंगे जी इसमें जी। हाँ करेगा पूरे, बढ़िया बढ़िया निकाल के बेचता रहेगा। अच्छा जी करेगा 1-2 दिन में खाली कर दे 2 रुपये बन जाएंगे। अच्छा जी अच्छा। और आज का सर्दे का कैसा बाजार चला जी। सर्दा भी बाजार डाउन ही है बारिश के चक्कर में 150-180। अच्छा जी डाउन ही चल रहा है। अच्छा जी फिर जैसे अब ये बरसात शुरू होगी और यूपी में भी बरसात है आज आसपास में सारे में, बस अब तो समझ लो लोकल का तो सीजन फिर गया जी है। नहीं चलेगा अभी तो एक हफ्ता चलेगा, बाकी हफ्ता 10 दिन तो चलेगा आस्ता आस्ता। अच्छा जी भाई तेजी खाई है किसानों ने तो मंदा भी तो बेचारे ही बेचेंगे। हाँ अभी ये है कि हफ्ता 10 दिन फर्क पड़ेगा बाजार, अगर ऐसे ही मौसम रहा तो फिर मुश्किल है। अच्छा जी अच्छा बाकी जो भी उपराला करेगा अच्छे करेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी धन्यवाद सरदार जी। अपनी दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर जी। SGS D1364 मोबाइल नंबर 98 11 10 10 12। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जी राम जी। तो
दोस्तों अब हम खड़े हैं 18 नंबर और 17 नंबर के कॉर्नर पे। यहाँ पर है दोस्तों जामुन मंडी। जो जामुन मंडी चलती है ये रात को चलती है, सुबह में जल्दी माल बिक जाता है। देखो ये जो जामुनों की गुठलियाँ पड़ी, यहाँ पर जो 17 नंबर और ये अपना 16 नंबर का 18 नंबर का कॉर्नर है, यहीं पर जामुन आती है। जान लेंगे जिनका भाई साहब का स्पेशल जामुन का काम है। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, अब जामुन कहाँ कहाँ की आ रही जी, और कौन कौन से इलाके थे खत्म हो लिए? जो जामुन यूपी की आ रही है, अब कम हो जाएगी यूपी की। हाँ जी। और पुष्कर की आ रही है। हाँ जी। पंजाब की शुरू हो गई है। हाँ जी। और अपना ये जो गुजरात आ रही थी, गुजरात आ रही, खत्म हो गई। गुजरात खत्म हो गई। सबसे पहले गुजरात चलती है जी? पहले गुजरात चलती है। अच्छा जी, इसके बाद जी? अब उसके बाद चलती है यूपी की। अब यूपी और कानपुर की, कानपुर भी कम हो जाएगी अब। अच्छा जी। और यूपी भी कम होती जाएगी अब, और ये पंजाब बढ़ जाएगी। हाँ जी। और अपना किराना की बढ़ जाएगी। अच्छा जी। और राजस्थान वाली पुष्कर वाली है जो, वो भी अब कम हो जाएगी, अभी आ रही है फिलहाल। अच्छा जी। शुरू में तो जामुन के रेट ठीक थे जी, अब कैसे हैं जी? ठीक है, अब तो थोड़ा डाउन है। आज तो बहुत डाउन हो गया बारिश की वजह से। अच्छा जी। कल भी थोड़ा ठीक था, पंजाब और ये कट्ठी आ गई ना सारी। हाँ जी। तो थोड़ा सा रेट कम हो गया। तो जामुन में तो कई वैरायटियां हैं जी, इसमें तो अलग अलग छोटे बड़े साइज के हिसाब से बिकती है जी। हिसाब होता है जी। अच्छा जी। तो कल का वैसे क्या रेट था जी? रेट बिकी थी कल 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक। 2200। 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये की क्रेट। जो सस्ती है वो हल्की है, बिल्कुल बेकार जैसे ये पड़ी है तो मंदी बिकी है। हाँ जी। सड़ी हुई। तो उसमें कितना वजन होता है भाई साहब जी? क्रेट में बहुत जी 20 किलो से लेके 25 किलो तक। 20 किलो से 25 किलो जी। ये 250 है। अच्छा जी। तो आज रेट में डाउन हुआ है? और आज बारिश की वजह से थोड़ा सा डाउन था, कमजोर था रेट। हाँ जी। तो आज कितने का फर्क आ गया जी? 700 से लेके 1200 रुपये तक। अच्छा जी। अच्छा ये बताओ, जो यहाँ से जामुन दिल्ली से जैसे आती है, यहाँ से ये अदर स्टेट में भी जाती है दूर के लिए लोडिंग के लिए ले जाते हैं? इसको बहुत कम जाती है, अगर जो जाती है तो फिर वो प्लेन से ही जाएगी या फिर फास्ट ट्रेन से जाएगी। अच्छा जी। वैसे जो लेने वाले हैं वो बाहर के आते हैं भाई साहब यहाँ? आते हैं, फिर आते हैं। अच्छा जी। तो वो प्लेन या ट्रेन से ही जाएगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका सप्लाई का भी काम है जिसका? नहीं नहीं, मेरा तो यहाँ पे कमीशन का काम है जी। अच्छा, नहीं आप सप्लाई भी करते हो जिसको? अकिया पर यहाँ बेचते ही हो? यहाँ बेचता है, मेन काम बेचने का ही है, बाकी अगर कोई मांगे ऑर्डर है तो दे देते हो। अच्छा जी। अच्छा, धन्यवाद जी। तो क्रेट साथ में होती है इसमें? नहीं नहीं, क्रेट तो अलग से खाली करनी पड़ती है, उसके पैसे अलग से जमा होते हैं। हाँ जी। धन्यवाद भाई साहब जी, आएंगे जी। और रात में मंडी किस समय लगती है जी जामुन की? 3 बजे 3:30 बजे से लेके 7 बजे तक 8 बजे तक मिल जाता है। अच्छा जी। तो ये छोटी गाड़ियों में आती है जी ये? हाँ, छोटी गाड़ी में। तो कितनी गाड़ियाँ आ रही भाई साहब आजकल ये टोटल मंडी में? टोटल 50 से गाड़ी थी आज। अच्छा जी। धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार अपनी दुकान का एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर जी, यदि किसी को माल बेचना हो या मंगाना हो आपसे। दुकान का नाम गुरमीत सिंह एंड कंपनी। हाँ जी। D1306 नंबर। हाँ जी। और एड्रेस वही D1306 नंबर, जाटपुर मंडी। 9560383737। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जानकारी देने के लिए, बड़े खुशी हुई जी मिलकर जी। थैंक यू। तो जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का मौसम्मी का क्या बाजार चला, मंडी में मौसम्मी की कितनी गाड़ी हैं, जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। तो दोस्तों आज मौसम में बरसात के कारण जो है जितने भी जूसी आइटमें होती हैं, जैसे नारियल, मौसम्मी, नींबू, ये गर्मी में चलने वाली गन्ना, इनका थोड़ा सा रेट डाउन हो जाता है। भाई साहब के पास ये जो है नई मौसम्मी है, जान लेंगे इसका क्या बाजार चला आज मंडी में, कितनी गाड़ियाँ हैं इसकी। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज का कैसा बाजार चला जी? राणा साहब, बरसात की वजह से आज मार्केट डाउन है। हाँ जी। जूस वाली जितनी आइटमें हैं, हाँ जी, वो बरसात के अंदर जो है 2-3 रुपये 4 रुपये डाउन हो जाती है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आज मौसम्मी की कितनी गाड़ियाँ जी है? मौसम्मी की लिस्ट में तो 53 गाड़ी आई थी, 47 ताजी और 6 कल की बैलेंस। अच्छा, लेकिन जी। कुछ गाड़ियाँ लेट आई हैं बाद में, 57 से 58 गाड़ी है। अच्छा जी। अच्छा, हमारी भी 1 गाड़ी लेट आई बाद में। अच्छा जी। नई मौसम्मी का क्या रेट है जिसका जी आज? नई मौसम्मी का राणा साहब 44-45 रुपये 1 नंबर है, 42 रुपये 2 नंबर है। हाँ जी। और 32 से 34 तक 3 नंबर है। हाँ जी। और 18 से 20 तक 4 नंबर है भाई। आज रेनी रेट डाउन हो थोड़े थोड़े जी, फिर तो सारी नई पुरानी जिसमें भी है सब में रेट कम में तो फर्क पड़ोगा जी आज ये? हाँ, पड़ गया जी फर्क। अच्छा जी। कल से 2 से 3 रुपये डाउन है कम से कम। अच्छा जी। हाँ जी, 4 नंबर 4 रुपये तक डाउन हो गया। अच्छा जी। 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा डाउन नहीं है, बरसात के कारण फर्क पड़ा जी। हाँ राणा साहब, बरसात के कारण जो है रेट, बरसात के कारण जितने भी मैंने देखा जी, ये गन्ना हो गया, नींबू हो गया, मौसम्मी, तरबूज, खरबूजा, इनका रेट डाउन हो जाता है। बिल्कुल सही है आप कह रहे हो, बिल्कुल। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद जी राणा साहब, थैंक यू। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है, इन भाई साहब के एक कॉन्टेक्ट नंबर है।
दोस्तों जान लेंगे दिल्ली जादवपुर मंडी में आज का नारियल का क्या बाजार चला, मंडी में नारियल की कितनी गाड़ी, वैसे तो अभी बरसात चल रही है यहाँ पर, देख लेंगे क्या कुछ पोजीशन, क्या रेट खुला। सर जी नमस्कार जी, आ तो रौनक है जी, दिखा रेट पूरी रौनक है, पूरा बाजार में ग्राहक ने तहलका मचा रखा है। सवेरे का परिंदा पर नहीं मार रहा। अच्छा जी, हाँ जी, आज का क्या कितनी गाड़ी है जी? आज गाड़ी ताजी तो घुसी है 20-22। हाँ जी, लेकिन सुबह से बारिश पड़ रही है। अच्छा जी, जो अपने ग्राहक हैं उनको तो बेचा 5-7 हज़ार दाना। अच्छा जी, बाकी बाजार में दम वाली बात नहीं। अच्छा जी, माल बिका 40 रुपये 42 रुपये, एक नंबर माल। अच्छा जी, जो टूट की गाड़ियां हैं जिसके अंदर गुच्छा नहीं है, हाँ जी, टोपी उतरी हुई है, वो बिका 35 रुपये 36 रुपये। अच्छा जी, हमने अपनी गाड़ी का 2 नंबर बेचा 30 रुपये। अच्छा जी, आज बरसात का फर्क पड़ गया जी मंडी में। जी देखो, कोई भी आदमी ये घर से बाहर नहीं निकलेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और नारियल पीने तो बिल्कुल ही नहीं निकलेगा, ठंड दूध पीने निकलेगा, दवाई पीने निकलेगा। हाँ जी, सब्जी लेने निकलेगा। हाँ जी, लेकिन भाजी नारियल पीने नहीं निकलेगा, मजबूरी है जिसकी वही आएगा, जिसको डॉक्टर ने बोला। हाँ जी हाँ जी, वो निकलेगा। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों बात कर लेंगे पाइनएप्पल की, जानते हैं पाइनएप्पल का आज का क्या बाजार चला। भाई साहब के पास ये पाइनएप्पल की गाड़ी आई दोस्तों, ये है इनके पास राजा पाइनएप्पल की गाड़ी, और इनकी जो बी ब्लॉक में जो दूसरी दुकान है वहाँ पर आते हैं, इनकी है रानी की पाइनएप्पल की गाड़ी। जान लेंगे आज का राजा रानी का क्या बाजार चला। सर जी नमस्कार जी। सर जी जैसे आज बरसात हो रही थी दिल्ली में, इसमें कोई क्या डिफरेंस आया जी आज? इसमें डिफरेंस ये है जी कि आज रेट बढ़ना चाहिए था मगर बारिश की वजह से रेट रुक गया आज, क्या नाम है। अच्छा, आज गाड़ियां कम है जी वैसे? आज गाड़ियां कम है, पीछे भी बारिशें हो रही है, माल पीछे से कम आ रहा है जी, क्या नाम है। अच्छा जी, तो यानी उम्मीद थी कि आज रेट उठेगा? आज उम्मीद थी कि 1-2 रुपए किलो का रेट बढ़ेगा मगर बारिश की वजह से रेट बढ़ा। तो रेट कल वाला ही है जी? हाँ, वो कल वाला ही रेट है, 23 रुपए किलो राजा बिक रहा है जी, और रानी बिक रही है 60 रुपए किलो। अच्छा जी, हाँ जी। जो आज मान लो बरसात ना होती जी, फिर रेट ऊपर उठ जाता जी? आज अगर बारिश नहीं होती तो 2-3 रुपए किलो राजा में बढ़ता, 2-3 रुपए किलो रानी में बढ़ता। चलो रेट तो टिका कम से कम, नहीं कुछ सौदे ऐसे हैं जी उनका रेट मंद है आज बरसात के कारण। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो बढ़िया जी। ये इसलिए रेट नहीं बढ़ा, क्या नाम है, कम नहीं हुआ क्योंकि इसका अरावल कम है मार्केट के अंदर, क्या नाम। अच्छा, इरावल अब कम होती जा रही है? हाँ जी हाँ जी, पीछे बहुत बारिश हो रही है वेस्ट बंगाल में, क्या नाम। अच्छा, ये वेस्ट बंगाल वाला है जी? हाँ जी, ये वेस्ट बंगाल वाला है, बाकी कर्नाटक वाला खत्म हो गया जी। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत थैंक यू सर। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इनका ये कॉन्टेक्ट नंबर है। सारा यही बर्थडे का नाम है।